नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त स्वागत है मशीन में। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप वर्डप्रेस में अलग अलग पोस्ट और अलग अलग पेजेस में अलग अलग साइड बार किस तरह से शो करवा सकते हो। तो देखिए, हमारे ढेर सारे यूज़र इसको ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक यूज़र ने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट किया, वहाँ जाके देखा कि PHP के जो रूटर है इसमें अलग साइड बार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखिए ये वाला साइड बार, और यही साइड बार HTML के ट्यूटोरियल में चेंज हो जाता है। तो मैंने इसे बोला कि इसके लिए आपको अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। तो फिर भी यूज़र का एक ही क्वेश्चन था कि मुझे वर्डप्रेस में किस तरह से करना है ये सिखा दो। तो इसी रीज़न से मैंने वीडियो बनाया है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में सिखाऊंगा कि आपको किस तरह से वर्डप्रेस में अलग अलग पोस्ट, अलग अलग पेजेस में अलग अलग प्रकार के साइड बार आप शो करवा सकते हो। तो यह सब कुछ जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया इस तरह से, मान लीजिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में कि जो आज का वीडियो और आज मैं आपको किस तरह का क्या सिखाने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको, देखिए सबसे पहली पोस्ट है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो कोई भी यूज़र यही पोस्ट को ओपन करेगा तो अलग साइड बार शो होगा, और दूसरा कोई यूज़र दूसरी पोस्ट ओपन करेगा तो दूसरा साइड बार शो होगा। जैसे कि देखिए, पहले वाली पोस्ट कोई भी यूज़र ओपन करता है तो सर्च बॉक्स नहीं आना चाहिए, और इस तरह से दूसरी वाली पोस्ट कोई भी यूज़र ओपन करता है तो वहाँ पर सर्च बॉक्स आना चाहिए। इसका मतलब कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी ऐड कर सकते हो, कैटेगरी ऐड कर सकते हो, इस पोस्ट के रिलेटेड कैटेगरी ऐड कर सकते हो, और आप अपने मुताबिक अलग अलग साइड बार शो करवा सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, एक सिंपल प्लगइन यूज़ करना है, मैं आपको डिटेल में सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको जाना है आपकी वर्डप्रेस की डैशबोर्ड में। इसके बाद सिंपली आपको प्लगइन और ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है, और आपको एक सिंपल प्लगइन ऐड करना है, इसकी मदद से पॉसिबल है। तो सिंपली आपको यहाँ पर लिखना इजी कस्टम साइड बार, तो आपके सामने प्लगइन आ जाएगा, इसे आपको इंस्टॉल करना है। देखिए मैं इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, इजी कस्टम साइड बार। इसके बाद सिंपली आपको क्लिक करना है आपके अपीयरेंस पे, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा थीम साइड बार, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसा प्लगइन ऐड करोगे इसके बाद आपको ये ऑप्शन शो होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने प्लगइन सक्सेसफुल ऐड कर दिया है। जैसे आप प्लगइन ऐड करते हो तो अब आपको देखिए यहाँ पे ज़ूम करना कि आपको कौन सी पोस्ट, कौन सा पेज पे आपको कौन सा साइड बार शो करवाना है। जैसे कि देखिए, मैं आपको दो एग्जांपल दिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में। तो देखिए, सबसे पहली पोस्ट कोई भी ओपन करेगा तो अलग साइड बार शो होगा, और दूसरी पोस्ट ओपन करेगा तो भी अलग होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक साइड बार बनाना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइड बार वन, इस तरह से देखिए साइड बार वन, साइड वन, और आपको क्रिएट साइड बार पे क्लिक करना है। तो एक साइड बार यहाँ पर क्लिक, तो साइड बार क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको पोजीशन चूज़ करनी है, तो अगर आपके थीम पे मुताबिक आप चूज़ कर लीजिए, यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद आपको सेव साइड बार पे क्लिक करना है। अब आपको जो आपका जो मेन वर्क है वो अब है कि अब आपको चूज़ करना है कि आप कहाँ पर शो करवाना चाहते हो इस साइड बार को, जैसे कि देखा साइड वन को। तो हम आपको क्या करना है कि अगर आपको कोई पोस्ट में ओपन करना है, यानी कि पोस्ट में शो करवाना है, तो सिंपली आपको पोस्ट को चूज़ करना है यहाँ पर। अगर आप पेज में शो करना है तो आपको पेजेस पे क्लिक करना है। अगर आप किसी भी कस्टम कैटेगरी, फॉर्मेट टैग वगैरह पे शो करवाना चाहते हो तो आपको आपके मुताबिक चूज़ करना है। यहाँ पर हम चूज़ कर लेते हैं सबसे पहली पोस्ट। कोई भी यूज़र पहली पोस्ट को ओपन करेगा तो ये डिफ़ॉल्ट साइड बार नहीं, लेकिन जो हमने कस्टम साइड बार किया है वहीं शो होगा। तो आपको पोस्ट चूज़ करनी है, इसके बाद आपको आपके साइड बार की पोजीशन, और आपको सेव साइड बार पे क्लिक करना है। तो देखिए साइड बार सक्सेसफुली सेव हो चुका है। इसके बाद आपको एक और साइड बार बनाना है, आपके मुताबिक आप बना सकते हो, जितने भी साइड बार आप ऐड करना चाहते हो ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइड बार टू, यानी कि साइड टू, इस तरह से। इसके बाद क्रिएट साइड बार पे क्लिक करते हैं तो एक और साइड बार ऐड हो जाएगा। और अब आपको चूज़ करना है दूसरी वाली पोस्ट। ये कोई भी यूज़र टॉप 10 एवरी यूट्यूबर मस्ट हैव एप्लीकेशन पोस्ट विजिट करेगा तो इससे दूसरी, यानी कि दूसरा साइड बार शो होगा। तो इसके लिए यहाँ पर भी आपको चूज़ करना है आपका साइड बार का पोजीशन, इस तरह। इसके बाद आपकी पोस्ट, और आपको सेव साइड बार पे क्लिक करना है। तो देखिए दोनों साइड बार सेव हो चुके हैं। इससे पहले देखिए यहाँ पे हमने गलती की है, आप भी ये गलती ना करें, इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। आपको जो भी आप पर्टिकुलर पोस्ट को सिलेक्ट करते हो, इसके बाद आपको ऐड साइड बार पे क्लिक करना पड़ता है। देखिए आपको बटन दिखा देगा इस तरह से, जैसे वहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आना चाहिए। इसके बाद आपको सेव साइड बार पे क्लिक करना है तो ही आपका साइड बार शो होगा। तो यहाँ पर हमने मिस्टेक किया था। इसके बाद हम साइड बार वन को सिलेक्ट कर लेते हैं, और वहाँ पर भी हम पोस्ट को ऐड कर देते हैं ताकि पर्टिकुलर पोस्ट में हमारा साइड बार सक्सेसफुली शो हो जाए।
देखिए आपको पोस्ट चूज करनी है, इसके बाद आपको एड साइड बार और आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो आपकी यहाँ पर दो साइड बार क्रिएट हो चुके हैं, आप अपने मर्जी के मुताबिक जितने भी चाहे ऐड कर सकते हो। दो साइड बार ऐड करने के बाद अब आपको देखने वाली चीज़ ये होगी कि जैसे आप अपने जाके विडजेट पे क्लिक करोगे तो आपके जो जितने भी डिफॉल्ट साइड बार थे वहाँ पर दो साइड बार ऐड हो चुके हैं, साइड टू और साइड वन। देखिए आपको दिखा देगा, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर। और ये दोनों साइड बार सिर्फ और सिर्फ दोनों पोस्ट के लिए ही बने हैं और दूसरी किसी भी पोस्ट में ये वर्क नहीं करेंगे। जैसे कि देखिए सबसे पहले साइड बार में हम क्या शो करेंगे, सर्च बॉक्स। तो आपको आपके विडजेट में से आपको सर्च बॉक्स चूज करना है। देखिए हमने साइड वन पे चूज कर लेते हैं सर्च बॉक्स और ये शो होगा। इसके बाद साइड बार पे दूसरे साइड बार पे हम शो करवाएंगे कैलेंडर, तो इसे भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले साइड बार में सर्च बॉक्स और दूसरे साइड बार में कैलेंडर, तो इस तरह से आप अलग अलग साइड बार शो करवा सकते हो। अब हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये साइड बार वर्क करते हैं या नहीं अलग अलग पोस्ट में। तो अब हम ओपन करेंगे तीन पोस्ट और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये साइड बार किस तरह से वर्क करते हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी पर्टिकुलर पेज पर्टिकुलर कैटेगरी पे अलग अलग साइड बार शो करवा सकते हो। जैसे कि देखिए सबसे पहले हम पोस्ट को ओपन करोगे तो शो होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ सर्च बॉक्स। अब देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ सर्च बॉक्स दिखाई देगा और कुछ नहीं। देखिए हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, इसके बाद हम दूसरी पोस्ट को ओपन कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में, और वहाँ पर शो होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर। तो अब आपको जैसे पोस्ट ओपन होगी तो पता चलेगा, देखिए यहाँ पर शो हो रहा है कैलेंडर। इसी तरह से हम तीसरी पोस्ट को ओपन करोगे तो क्या शो होगा, जो हमारा डिफॉल्ट साइड बार है वो शो होगा। देखिए जैसे कि हम तीसरी पोस्ट को ओपन कर लेते हैं ये वाली पोस्ट को, तो यहाँ पर शो होगा पूरा का पूरा साइड बार, देखिए सर्च बॉक्स कैटेगरी वगैरह। तो बस यही एक सिंपल मेथड है, इसके मदद से आसानी से वर्डप्रेस में आप अलग अलग पोस्ट और अलग अलग पेजेस में साइड बार शो करवा सकते हो। और मैं यहाँ पे फाइनली आशा रखता हूँ कि जिन जिन यूज़र को ये प्रॉब्लम आ रहा था कि पर्टिकुलर कैटेगरी पेज और पोस्ट में अलग अलग साइड बार किस तरह से शो करवाए, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। तो बस आज के वीडियो में रहने तक था, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।